आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्ते। आज सुबह से कल रात से ही हम लोगों की तबीयत सही नहीं है, हम लोग बीमार पड़े हुए हैं। मेरी बेटी और मैं, मुझे भी कल से बुखार आ गया था और मेरी बेटी को भी 2-3 दिन हो गए हैं बुखार आए हुए। अब वो कह रही है कि मुझे गोद में ही पकड़े रहो। ये लेटी हुई है मेरी गोद में और सर्दी जुखाम खांसी से हम लोगों का बहुत बुरा हाल है। और घर में काम करने वाला भी कोई नहीं है, सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि मेरी खुद तबीयत सही नहीं है। और मुश्किल से हम लोग दो हस्बैंड वाइफ हम रहते हैं और दो हमारे बच्चे रहते हैं। अब घर में काम कौन करे। अभी मैंने इनके पापा को फ़ोन करा था, मैंने कहा मुझे भी फीवर चढ़ गया है, अगर हो सके तो छुट्टी लेके आ जाओ। अभी तक हमने भी कल रात से कुछ भी नहीं खाया पिया है। और बेटी भी मेरी परस्त पड़ी हुई है, 2-3 दिन से दवाई दे रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है, उसके बाद फिर फीवर चढ़ जा रहा है। ये वैसे ये बहुत कमज़ोर है। और बेटा मेरे को इतना तंग करता है कि कुछ बात ही नहीं कह सकते हैं, कि कुछ मानता भी नहीं है। क्योंकि अब बेटा है ना, तो बहुत लड़के होते ही हैं थोड़े नटखट, बहुत हरकतें करता है घर में। बार बार सही करते रहूँगी फिर वो सारे कपड़े फैला के, सारे सामान फैला के एक कर देता है। अब मुझे फीवर आया हुआ है तो इसलिए मैंने अपने भाई को भी रोका हुआ है। अब बेचारा वो भी कर ही रहा है थोड़ा बहुत काम, वो कुंज को संभाल ले वही बहुत है। वो भी कुंज भी उसको इतना तंग करता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। छोटा बच्चा है ना और मार भी बहुत खाता है। मुझसे तो बोला भी नहीं था। बहुत तबियत हालत डाउन है हम लोगों की। बेटी को तो कोई होश नहीं है, ये देखो बेचारी ओढ़ने के लिए भी मना करती है क्योंकि घुटन सी होने लगती है जब फीवर आता है। तो कभी ऐसा महसूस होता है कि गर्मी हो रही है, कभी ठंडा लग रहा है। ये आ गया हमारा नटखट। हेलो बोलो, सभी को नमस्ते बोलो, नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते बोलो, नमस्ते। आप बहुत शैतानी करते हो ना, आप बहुत शैतानी करते हो ना। शैतानी करता हूँ, मत करो। सभी दोस्त कह रहे हैं, आपके छोटे छोटे फ्रेंड भी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि आप इतनी तंग मत करा करो मम्मा को, मम्मा अकेले रहती है घर पे। कुंज के काम से कल शाम को हम लोग काशीपुर भी गए थे। मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं, तो इसके पापा से मना कर रही थी कि मैं नहीं आ रही हूँ। तो उनका भी मन नहीं लगता, अकेले नहीं जाते हैं, तो कह रहे थे कि चलो तुम भी चलो साथ में। उस टाइम तो मुझे इतना फीवर नहीं था, मतलब हल्की सी हरारत हो रही थी बॉडी में, हाथ पैर दर्द कर रहे थे। वीकनेस तो काफ़ी दिन से रह रही थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे फीवर के लिए वीकनेस हो रही है। तो कल हम फिर काशीपुर गए, करीबन छः बजे के करीब गए थे और 9 बजे तक आ गए थे। कुछ का कुछ सिलेबस वगैरह लेना था। अब कल से ये भी स्कूल जाएगा। देखो ये परेशान हो रही है। हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ, जिन लोग की फैमिली बिल्कुल अकेले सिंगल फैमिली रहती है उन लोगों को पता होगा कि अकेले रहना कितना मुश्किल है, जिन लोगों के घर में और लोग नहीं है। अब क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो बात कुछ और ही होती है, क्योंकि अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो ये कम से कम ये तो होता है कि कम से कम पानी और चाय तो मिल जाए सुबह की। अकेले फैमिली में तो बस खुद ही करना है, बच्चों को भी देखना है, चाहे बीमार हो या चाहे कुछ भी हो। अब देखो इसके पापा का भी आने का टाइम हो रहा है, 11:30 तक तो पहुँचते हैं घर में। अब पता नहीं छुट्टी मिलती है कि नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो फिर उनके लिए भी बहुत हाय तौबा हो जाएगी। क्या करें, फिर मिल बांट के ही करेंगे। मुझे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है बिस्तर से उठने की फीवर के मारे। अब बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ता है चाहे अपना हाल कैसा भी हो। मेरा भाई अब चाय बना के दे रहा है, कह रहा जैसे भी उल्टी सुलटी बने, मैंने कहा तू बना के दे दे बस थोड़ा सा कुछ खा लें, उसके बाद हम कुछ मेडिसिन वगैरह लेंगे। अब जब इसके पापा की छुट्टी होगी उस दिन हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। वैसे हम दवाई तो ले लेते हैं
इसके पापा हमें दे देते हैं, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है ये दवाइयों की, तो अभी एंटीबायोटिक नहीं ली हुई है हमने, इस वजह से हमारा बुखार नहीं टूट रहा है। अब आज जाके हम एंटीबायोटिक लेंगे कुछ, अब देखते हैं कि क्या हाल होता है। कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, बस मन कर रहा है कि कुछ लिक्विड लें बस, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। वो तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय से ये होता है कि सहारा सा हो जाता है, कुछ बिस्किट वगैरह ही ले लेंगे दवाई खाने के लिए। मेरी बेटी बेचारी, औरों के बच्चे तो बहुत तंग करते हैं, लेकिन मेरी बेटी बस थोड़ा सा बीमार है इसलिए परेशान कर रही है ये। अब थोड़ा इसको कहती है कि मुझे गोद में ही पकड़े रहो। बेटा कुंज भी जा रहा है इसको पकड़ने, लेकिन वो चिढ़ जा रही है क्योंकि कुंज थोड़ा उसको किसी भी सी करता है, तो वो चिढ़ जाती है, कहती है मुझसे दूर रहो मुझे नहीं कुछ, क्योंकि बुखार में होता ही है चिड़चिड़ापन तो छूटता है। हम देखते हैं अब जिस दिन हम डॉक्टर के पास जाएंगे हॉस्पिटल में, उस दिन आगे कब लोग उस दिन दिखाएंगे। इसी के साथ ही आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आप गॉड से विश करो कि हम लोगों का बुखार ठीक हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं बुखार से, बेटी भी बहुत तड़प रही है बुखार से, और मेरा भी ठीक हो जाए। वीकनेस काफ़ी बनी हुई है बॉडी में, ये सारा काम तो मुझे ही करना होता है, इसके पापा जो ड्यूटी भी जाते हैं बेचारे, फिर घर आके भी करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग प्रे करो भगवान से जल्द हम लोगों का फीवर ठीक हो जाए और हम पहले जैसे ही स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहें, और आगे का ब्लॉग हम जब डॉक्टर को दिखाने जाएंगे उसके बाद ही आपको मिलेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे यूट्यूब आईडी है कुंज हैप्पी शर्मा यूके। इसी के साथ ही आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।